प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक जिसके द्वारा आप रीजनिंग के क्वेश्चंस चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। इसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर। आपने देखा होगा इस तरह की कुछ बॉक्सेस आते हैं, जैसे एक स्क्वायर के अंदर छोटे स्क्वायर है तो अधिकतम स्क्वायर की संख्या क्या होगी, इसमें आपको ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है या इसमें आपको टोटल ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है अधिकतम। तो आज हम आपको जो टेक्निक सिखाएंगे उसके द्वारा हम आपको बताएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स शॉर्टेस्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही काम की टेक्निक्स हैं, एसएससी वगैरह में आती है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ा वर्ग लिया है, बड़े वर्ग के चार टुकड़े हैं यानी चार छोटे वर्ग इसके अंदर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन के अंदर ये लाइन है तो दो ही दो दो स्क्वायर है और कॉलम के अंदर स्तंभ के अंदर भी दो दो स्क्वायर है। तो अगर इस तरह का n बाई n का एक बड़ा स्क्वायर हो उसके अंदर हमें वर्गों की अधिकतम संख्या बतानी हो, छोटे वाले चाहे तो छोटा बने या चार को मिला के बने, वर्ग बताने हैं हमें इसमें, तो हम कैसे करें। सबसे पहले हम n बाई n 2 बाई 2 का एक स्क्वायर ले रहे हैं। इसमें देखिए रो 1 में एक वर्ग है, रो 2 में दो वर्ग है, तो दो रो हैं दो वर्ग है। इसी तरह कॉलम 1 में एक वर्ग है और कॉलम 2 में दूसरा वर्ग है, यानी अगर हम गिने ध्यान से तो कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों में एक एक वर्ग आता है। अब इसके क्या करेंगे, चाहे हम रो की संख्या ले ले चाहे कॉलम की ले संख्या ले ले, उनके वर्गों का जोड़ करेंगे, यानी एक का वर्ग जमा दो का वर्ग जोड़ देंगे। चाहे तो हम रो की ले ले चाहे कॉलम की संख्या ले ले और उन्हें हम एड कर देंगे, एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार बराबर पांच, तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या होगी अधिकतम पांच। अब देखते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3/3 का एक हमने कॉलम लिया, एक बड़ा वर्ग है, 3/3 का एक स्क्वायर लिया हमने, एक बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग हैं, रो में तीन है और कॉलम में भी तीन है। तो देखिए रो में एक दो और तीन, रो में तीन स्क्वायर है छोटे, इसी तरह कॉलम में तीन स्क्वायर है छोटे। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ लेंगे, चाहे रो की ले लो चाहे कॉलम की ले लो, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनको हम ऐड कर देंगे 1, 4, 9 = 14, यानी कि इस n बाई n 3/3 के वर्ग के स्ट्रक्चर में टोटल जो छोटे वर्गों की अधिकतम संख्या होगी वो 14। तो बहुत ईजी टेक्निक है ये, आप समझिए, लिखते चले जाइए और इससे आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर। अब देखिए, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, अगर एक हमारा बड़ा जो फिगर है वो आयताकार हो, यानी कि m इंटू n हो, यानी कि जैसे कि हम देखें रो में तो यहाँ पे दो छोटे वर्ग हैं और कॉलम में यहाँ पे तीन छोटे वर्ग हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो रो में कितने वर्ग हो गए, दो, और कॉलम में कितने हो गए, तीन। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वो फॉर्मूला आप ध्यान से सीख लीजिए, m इंटू n के लिए करेंगे, m इंटू n, m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबसे पहले 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 में से 1 गया 2 में से 1 गया, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 3 में से 2 और 2 में से 2 भी घटाते रहेंगे, और जब तक घटाते रहेंगे जब तक कि इनका मल्टीप्लिकेशन 0 ना जाए। अब देखिए समझिए जरा, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला आपको टिपिकल लग रहा होगा लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो ये बड़ा इजी हो जाता है। देखिए देखिए 3 इंटू 2 m इंटू n हो गया, m मींस आपका कॉलम की संख्या और n मींस रो की संख्या, तो 3 इंटू 2, अब एक एक घटाना है, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 इंटू 1, अब इसमें से दो दो घटाने हैं, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा तो यही छोड़ देंगे, नहीं तो लगातार बढ़ते चले जाते इसको। अब देखिए 3 × 6 = 2 और 0 = 8, यानी यहां पे टोटल वर्गों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। अब देखिए यहां पे जो हमारा कॉलम है, रो में तीन वर्ग है, 1, 2 और 3, इसी तरह कॉलम्स की जो स्तंभों की संख्या है वो 4 है, 1, 2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही होगा, m इंटू n से शुरू करके घटाते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 4 × 3 = 1, 3 × 2 फिर 2 × 2 = 1, सबसे पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन लेंगे हाईएस्ट कॉलम और हाईएस्ट रो की संख्या लेंगे 4 × 3, फिर हम इसे घटा देंगे एक एक 3 × 2, फिर एक घटा देंगे 2 × 1, फिर एक घटा देंगे 1 × 0, जैसे ही 0 आ जाए यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 2, टोटल 20, इसमें वर्गों की अधिकतम संख्या 20 होगी। देखिए एक तो वर्ग ये रहा और एक चार वर्गों को मिला के ये वाला एक वर्ग बनेगा यहाँ पे, फिर
ऐसे ये वर्ग बनेगा एक, और एक बड़ा वर्ग ये भी बनेगा तीन को मिला के, तो हम वो टोटल वर्ग गिन रहे हैं। तो उसके लिए आप ये याद, हमने आपको सिखाया वर्गों की अधिकतम संख्या और जब m बाई n का, m इंटू n का स्ट्रक्चर दिया हो तो दोनों आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आयतों की संख्या, आयत देखिए आयत कैसे बनेगा, दो छोटे वर्ग को मिलाकर एक आयत बनेगा, समझ आया, ऐसे ये आयत है और ये छह को मिला के भी एक आयत बन रहा है। तो अगर हमारा n बाई n का एक स्ट्रक्चर हो जिसमें छोटे वर्ग हो, इसमें आयत कितने होंगे, तो आयत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रो की संख्या गिनते हैं, रो में दो छोटे स्क्वायर हैं और कॉलम में भी छोटे स्क्वायर दो हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, रो के नंबर्स की संख्याओं को जोड़ लेंगे और कॉलम के अंकों की संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक और दो है, यहाँ पे भी एक और दो है, तो एक और दो तीन और एक और दो तीन, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 × 3 = 9। तो बहुत इजी है, ध्यान रखिए। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर n बाई n का हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास रो में तीन छोटे स्क्वायर हैं, कॉलम में भी तीन छोटे स्क्वायर हैं, तो क्या करेंगे, रो के अंकों की संख्याओं को जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3, और कॉलम के अंकों की संख्याओं को भी जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3, और इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इनका एडिशन हुआ 6 और 6 = 36। तो इसके अंदर जो टोटल अधिकतम आयत होंगे वो हमारे 36 होंगे। और ध्यान रखिएगा प्यारे छात्रों, यहाँ पे अगर कोई वर्ग है वो भी एक आयत ही गिना जाता है, आयत को हम वर्ग नहीं गिन सकते लेकिन वर्ग को हम आयत गिनते हैं। यहां पर हम टोटल छोटे अधिकतम वर्ग तो लेंगे ही, उन्हें आयत बोलेंगे, और जो दो से या तीन से मिलकर आयत बना है उनको भी एक्स्ट्रा गिनेंगे। तो n बाई n के आयतों की संख्या के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, रो के अंकों की संख्या और कॉलम के अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करें, इजीली आपका ये कैलकुलेट। अब देखिए अगर ये ही आयत हमसे पूछे जाए m इंटू n वाले स्ट्रक्चर में, जैसे हम सेम थे, देखिए यहाँ पर m इंटू n वाला स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे अगर आयतों की अधिकतम संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्ग को हम आयत भी बोलते हैं और दो वर्ग मिलेंगे तो वो तो आयत हो ही जाता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोलते। तो छोटे वर्गों की अधिकतम संख्या के लिए हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं m इंटू n का, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं आयतों की अधिकतम संख्या के। यहाँ पे क्या, रो में हमारे पास दो छोटे वर्ग हैं, कॉलम में तीन छोटे वर्ग हैं, तो ये 2/3 का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे हमें आयत गिनने हैं। आयतों की अधिकतम संख्या के लिए फॉर्मूला होगा वही सेम होगा जो हमने इससे पहले किया है, आयतों की हम रो के अंकों की संख्याओं को जोड़ लेंगे और कॉलम के अंकों की संख्याओं को जोड़ लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 + 2 = 3 हो गया और 1 + 2 + 3 = 6 हो गया, 3 × 6 = 18। यहां पे अधिकतम की संख्या 18 हो जाएगी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो वर्गों में हमने m इंटू n के लिए क्या किया था, देखिए वर्ग में m इंटू n के लिए हमने क्या किया था, हाइएस्ट कॉलम की संख्या और हाईएस्ट रो की संख्या को मल्टीप्लाई करते गए, उसमें से एक एक घटाते गए जब तक उनका जीरो ना आ जाए, तो इनको हमने अलग अलग जोड़ा था, लेकिन आयत में क्या किया हमने, टोटल संख्याओं को जोड़ के उनका मल्टीप्लिकेशन किया। आयत में हमने क्या किया, टोटल रो के और कॉलम के अंकों को जोड़ के मल्टीप्लाई किया है, तो बस इजीली आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखिए एम इंटू एन 3 × 4 का स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर रो में देखिए यहाँ पे एम इंटू एन 3 × 4, यानी रो में तो हमारे तीन है, देखिए 1, 2, 3, और कॉलम में हमारे 4 हैं, 1, 2, 3, 4। देखिए जब आयतों की अधिकतम संख्या m इंटू n के स्ट्रक्चर में पूछी जाए, जैसे यहाँ पे 3/4 का स्ट्रक्चर है, रो में हमारे पास तीन छोटे वर्ग हैं, कॉलम में 4 वर्ग हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ लेंगे, रो के सारे अंकों को जोड़ लेंगे 1, 2, 3 को, कॉलम के सारे अंकों को जोड़ लेंगे 1, 2, 3, 4, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 10 = 60। तो यहाँ वर्गों की अधिकतम संख्या होगी 60, और जो SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे हमारी टेक्निक से। ये शॉर्टेस्ट मेथड हम बता रहे हैं आपको इनको कैलकुलेशन करने की। तो हम आपको अब तक 4 मेथड बता चुके हैं। अगला देखिए, अगर किसी बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटे त्रिभुज बने हो तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे, तो इसके लिए बहुत ही इजी टेक्निक है। देखिए जब हमारे से किसी बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज बने हो और उनके अंदर कुल अधिकतम त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, तो इसके BC बेस पर कितने ट्रायंगल बने, 1, 2 और 3,
ये तीन ट्रायंगल बने हैं तो हम क्या करेंगे, जो बेस बीसी पर छोटे ट्रायंगल बने एक दो तीन, इनके अंकों का जोड़ कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा टोटल अधिकतम त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर बेस बीसी पर कितने ट्रायंगल बने, एक दो तीन, इन्हें जोड़ दो छह, तो इस त्रिभुज के अंदर टोटल छह ट्रायंगल होंगे। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, छोटा दिख ही रहा होगा, अब दो को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा, तीन तो ये छोटे हो गए और इन दो को मिला के एक बन जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा, तीनों को मिला के छह हो गए। इसमें गिनना आसान है, लेकिन अगर ये संख्या बढ़ जाए तब गिनना मुश्किल होगा, उसके लिए आप ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं, यहां पे जो फिगर है ए बी सी, और बी सी बेस पर कितने ट्राइंगल है, एक दो तीन चार पांच, पांच ट्राइंगल है, एक दो तीन चार पांच, पांच ट्राइंगल है, इन पांचों का अंकों का जोड़ ही हमारे अधिकतम त्रिभुजों की संख्या होगी, एक जमा दो जमा तीन जमा चार जमा पांच, इन्हें जोड़ देते हैं तो पंद्रह, तो इस त्रिभुज के अंदर अधिकतम त्रिभुजों की संख्या पंद्रह होगी। अब देखिए अगर किसी वजह से ये फिगर आ जाए इस तरह की, एक फिगर के अंदर बड़ी फिगर है और उसके अंदर एक लाइन और खींच गई है, तो यहां पे भी आपको घबराना नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको देखना कितने बेस पे छोटे ट्रायंगल हैं। तो देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहां बेस हो गया बी सी, इस पे कितने ट्रायंगल है, एक दो और तीन, तो पहले तो इसे जोड़ लेंगे हम एक दो तीन को, तो आपको बड़े ट्रायंगल में ट्रायंगलों की संख्या मिल गई। अब एक छोटा ट्रायंगल देखें ए डी और ई, यहां पे एक ट्रायंगल और बन गया, यानी दो फिगर मर्ज हो गई है, तो ए डी में डी बेस पर कितने छोटे ट्रायंगल हैं, तो यहां पर एक और डी बेस पे दो, दो ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल ए डी में कितने ट्रायंगल हो गए, वन प्लस टू, इन संख्याओं को जोड़ देंगे टोटल हो गया सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन, यानी पूरी एबीसी फिगर में नाइन ट्रायंगल हो गए, यानी कि जो ये फॉर्मूला है वो यहां पे दो बार लगा, एक बेस बीसी पर और एक बेस डीई पर, तो ये फॉर्मूला यहां पे हमें दो बार लगाना पड़ा, एक बार बीसी बेस पर एक बार डीई बेस पर, और ए इसका शिखर है, तो इजिली आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए दो फिगर मर्ज हो रही है, यहाँ पे एक बड़ी फिगर है, इस बड़ी फिगर में हमने एक और पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले हम ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए बीसी बेस पर कितने ट्रायंगल हैं, एक दो तीन चार पांच, इन्हें जोड़ देते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो ट्रायंगल एबीसी में आपको मिल गया। अब ये छोटे वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे एक फिगर और है, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई में डी बेस पर कितने ट्रायंगल है, एक दो और तीन, इनके लिए भी जोड़ देंगे, ट्रायंगल ए डी में हो गया वन प्लस टू प्लस थ्री, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी पंद्रह प्लस छह इक्कीस, इस पूरी फिगर में इक्कीस अधिकतम त्रिभुज बनेंगे। तो है ना बड़ा आसान प्यारे छात्रों, और आप देखते रहिए, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखिए, यहां पे आपको तीन फिगर दिख रही हैं, एक बड़ी और एक ये वाली और एक ये वाली फिगर, बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम बड़ी फिगर लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में कितने ट्रायंगल हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, छह ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी में, इन छह के छह अंकों को जोड़ दीजिए, एक जमा दो जमा तीन जमा चार जमा पांच जमा छह। अब लेते हैं छोटे वाला, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, बेस डी पर चार, एक दो तीन चार, इन्हें भी जोड़ दीजिए, ट्रायंगल ए डी में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। अब ये छोटे वाला ट्रायंगल लीजिए, इसमें बेस है ए पी क्यू, ए पी क्यू में पी क्यू बेस पर कितने ट्रायंगल हैं छोटे, एक दो और तीन, इन्हें भी जोड़ दीजिए, प्लस ट्रायंगल ए पी क्यू में वन प्लस टू प्लस थ्री। अब इन संख्याओं को इस बड़े ट्रायंगल की, बी सी बेस वाले की, डी ई बेस वाली और पी क्यू बेस वाली, जब हमने तीनों अलग अलग निकाली, इन तीनों को जोड़ दीजिए, और यह आंसर हो गया पूरे ट्रायंगल एबीसी के अंदर अधिकतम त्रिभुजों की संख्या 21 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 37। तो बहुत ही आसान होगा, बस केवल बेस टेक्निक को आप याद रखें, इजीली आप कर पाएंगे। प्यारे छात्रों, ये सारी की सारी टेक्निक आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगी, कहीं अधिकतम त्रिभुज मिलेंगे, कहीं अधिकतम वर्ग मिलेंगे, कहीं अधिकतम आयत मिलेंगे, लेकिन हमने हर तरह की फिगर इस वीडियो में कोशिश की आपको दें, क्योंकि हम ए टू जेड सब कुछ ए टू जेड देना चाहते हैं आपको, सारी टेक्निक देना चाहते हैं। ए टू जेड करियर्स हमारा चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर भेजें, दूरस्थ छात्र इसका लाभ उठा सकें और जल्दी से जल्दी आप कॉम्पिटिशन में सफल हो सकते हैं, और एसएससी वगैरह एग्जाम में ये
पांच छह क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए यहां पर एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल्स की संख्या अगर हमें निकालनी हो, जैसे अभी हमने सीखा था इस वर्ग के अंदर छोटे वर्गों की अधिकतम संख्या, अब यहाँ पे आपको क्या है, वर्ग के अंदर वर्ग नहीं बताने हैं, आपको वर्ग के अंदर ट्रायंगल्स की संख्या बताने हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है और इसके अंदर चार छोटे ट्रायंगल को दिख रहे हैं, लेकिन एक ऐसे बड़ा हो जाएगा, एक ऐसे बड़ा हो जाएगा, इनको कैसे हम गिनेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, गिनने की जरूरत नहीं, गिनने में टाइम लगता है और इतना समय हमारे पास नहीं होता कंपटीशन में। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स इनटू नंबर ऑफ डायगोनल। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल कितने हैं, एक दो, एक ये नीले वाला ट्रायंगल, दो दूसरा ये ट्रायंगल, तीन तीसरा ये ट्रायंगल और चार चौथा ये ट्रायंगल। जो विजिबल ट्रायंगल वन टाइम में आपको दिख रहे हैं वो चार हैं, फिगर को मिला के नहीं गिनना, जो सिंगल सिंगल ट्रायंगल है उन्हें हम एक ट्रायंगल गिन रहे हैं, स्मॉल ट्रायंगल। अगर कोई दो मिला के उन्हें नहीं गिनना है, उसके लिए फॉर्मूले में अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी। और यहां पर डायगोनल कितने हैं इसमें, दो, एक और एक दो, बस यही फॉर्मूला है आपको नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स मल्टीप्लाई बाय डायगोनल। तो चार छोटे ट्रायंगल हैं और दो डायगोनल हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एट, तो इस फिगर के अंदर एट ट्रायंगल्स होंगे टोटल कुल मिलाकर। जैसे एक दो तीन चार तो ये हो गए, एक और दो को मिलाएंगे तो एक बनेगा, दो और तीन को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा, तीन और चार को मिलाएंगे तो भी एक ट्रायंगल बनेगा, चार और एक को मिलाएंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा। अलग अलग गिनते हैं तो बड़ी फिगर होती जाएगी तो आपको गिनने में परेशानी होगी, छोटे वाले में गिनने में कोई परेशानी नहीं होती। तो इसके लिए फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल्स की संख्या। देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, छह छोटे ट्रायंगल हैं और दो डायगोनल हैं, एक और एक दो, तो छह इंटू दो टोटल त्रिभुजों की संख्या गई 12। इस वाली फिगर में देखिए यहाँ पे कितने छोटे ट्रायंगल हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ ट्रायंगल हैं और कितने डायगोनल हैं, दो, हमेशा दो ही डायगोनल होंगे किसी भी वर्ग में और आयत में। अब 8 इंटू टू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वर्ग या आयत के अंदर अधिकतम त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, 8 इंटू टू 16। तो बड़ा इजी है ये आपको कैलकुलेट करना। अब देखिए यहां पर एक स्क्वायर के अंदर एक जॉइंट स्क्वायर दिया है, तो यहां पर आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले हम बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं ए बी सी डी और इसके अंदर हम ट्राइंगल गिन लेते कितने हैं। आप ये सोचिए छोटे वाला वर्ग यहां पर नहीं है, केवल बड़ा है, तो बड़े वाले में कितने ट्रायंगल हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ये वाले ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल कितने, आठ, और इसमें विकर्ण यानी डायगोनल कितने हैं, दो, एक और एक दो, एट इंटू टू। तो बड़ा स्क्वायर ए बी सी डी में एट इंटू टू, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंटू डायगोनल, जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दें छोटे वाले उसमें आपको विकर्णों की संख्या की गुणा करनी है, तो 8 इंटू टू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अभी इस बड़े में मिले, अब छोटे वाला देखिए, एक छोटे वाला वर्ग हो रहे हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस, अब इसमें देखिए कितने ट्रायंगल हैं, इसमें एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, छह सात और आठ, इसमें भी आठ ट्रायंगल हैं यानी कि आठ छोटे त्रिभुज हैं, और इसमें कितने विकर्ण बैठेंगे, डायगोनल कितने बैठेंगे, दो, एक और एक दो, बस इसे भी आप कैलकुलेट करके इसी में जोड़ दीजिए, प्लस पी क्यू आर एस स्क्वायर में ट्रायंगलों की संख्या 8 इंटू, तो 8 इंटू टू 16 और 16 मिलकर 30, इस पूरी जॉइंट फिगर में मिक्स फिगर में 32 आपके ट्रायंगल हो गए। अगर किसी वजह से वर्गों की संख्या पूछी जाए तो आपको याद आ रहा होगा हमने किया था एन इंटू एन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, यानी यहाँ पे रो में वन और टू और इस रो में भी वन और टू है, अगर इसी के साथ ट्रायंगल के साथ स्क्वायर भी गिनवाने लगे तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यानी कि पांच, बड़े वाले में ए बी सी डी में पांच होंगे और पी क्यू आर एस में भी पांच होंगे, 10 यहाँ पे छोटे स्क्वायर हो जाएंगे, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते। तो अगर आपको ट्रायंगल के साथ वर्गों की संख्या पूछी जाए तो उसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए बी सी डी में वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर और पी क्यू आर एस में भी वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, 10 वर्ग यहाँ पर हो जाएंगे, तो 32 ट्रायंगल हैं और 10 वर्ग हैं, तो वो मैंने आपको इजीली बताया है, लेकिन आप केवल यहाँ पे हम ट्रायंगल्स देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर फिगर मिक्स्ड हो, अगर यहाँ पे फिगर एडजॉइंट हो, एक फिगर के साथ दूसरी फिगर एडजॉइंट कर दी गई
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां देखिए फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इंटू नंबर ऑफ डायगनल्स, लेकिन जॉइंट पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर, देखिए यहां पे दो स्क्वायर है और यहां जॉइंट पॉइंट्स कितना है, जॉइंट पॉइंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं यहां पे पॉइंट एक यहां होगा और एक यहां होगा, मैं आपको फिगर से समझाता हूं आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटा स्क्वायर लेते हैं, यहां पे कितने ट्राइंगल हैं, एक दो तीन चार, और दो डायगनल हैं तो फोर इंटू टू इस वाले में हो गए ट्राइंगल, फोर इंटू टू। दूसरे में देखिए इसके साथ जो ज्वाइंट फिगर है इसमें कितने ट्राइंगल हैं, एक दो तीन चार, ये फोर इंटू टू, ये भी हमारे डायगनल फोर इंटू टू होगी, इन्हें भी एड कर लिया। अब ज्वाइंट पॉइंट को आपने गिनना है, यहां पे जॉइंट पॉइंट्स दो हैं, तो देखिए एक जॉइंट पॉइंट तो ये, एक जॉइंट पॉइंट ये, दोनों स्क्वायर को जो जोड़ता है उसे हम जॉइंट पॉइंट बोलते हैं, जो जॉइन कर रहा, और ये एक ट्रायंगल इस पॉइंट पे बनेगा, तो इस ट्रायंगल को हम गिनेंगे, और एक पॉइंट ये और ये वाला ट्रायंगल इस पे बने, देखिए जॉइंट पॉइंट पे एक ट्रायंगल ये बना है, इन चार को मिला के ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और जॉइंट पॉइंट पे एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये वाला आपके ऐसे दो ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो छोटे वाले हमने गिन लिए, कैलकुलेट कर लिए, फोर इंटू टू, फोर इंटू टू से दो बड़े ट्रायंगल जॉइंट पॉइंट्स पे, एक जॉइंट पॉइंट पे एक ट्रायंगल जरूर बनता है स्क्वायर में, तो ये टोटल हो गया एट प्लस एट प्लस टू इक्वल टू 18। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं एक बार और, अब देखिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमारे कितने छोटी फिगर है, कितने स्क्वायर है, यहाँ पे तीन स्क्वायर हमें दिखाई देने हैं, तो यहाँ पे जॉइंट पॉइंट्स ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एक दो तीन चार, तो फोर इंटू टू ये हो गया। दूसरी एडजॉइंट फिगर में देखते हैं कितने ट्रायंगल हैं, एक दो तीन चार, और डायगनल कितने दो, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, फोर इंटू टू। अब तीसरे में देखिए, तीसरे में भी चार ही ट्रायंगल है, तो दो आपके डायगनल हो गए, तो ये भी फोर इंटू टू। तो आपने इन तीनों के तो कैलकुलेट कर लिया। अब जॉइंट पॉइंट्स की बात आती है तो ध्यान से देखिए, एक जॉइंट पॉइंट ये है तो यहां पे एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा ये वाला, एक जॉइंट पॉइंट पहले दो के बीच एक जॉइंट पॉइंट है, तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक जॉइंट पॉइंट ये वाला है, और इससे एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ध्यान से देखिए ये वाला, तो दो ये हो गए, और तीसरा जॉइंट पॉइंट इन दो, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर के बीच, दो इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर के बीच एक जॉइंट पॉइंट है और एक ट्रायंगल ये बनेगा ये वाला, ठीक है, एक जॉइंट पॉइंट और यहां होता है जॉइंट पॉइंट, इस पे भी एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, चार, बस यहां पे आप चार लिख देंगे, जोड़ दीजिए, एट प्लस एट प्लस एट प्लस फोर इक्वल टू 28। इस पूरी फिगर में, एडजॉइंट फिगर में अधिकतम त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 28, बस यही आपका आंसर होगा। आप देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे चार छोटे स्क्वायर जुड़े हुए हैं जिसमें हमें ट्रायंगल्स की संख्या गिननी है, यहाँ पे आपको जॉइंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पॉइंट्स कॉमन भी होगा, देखिए ये जॉइंट पॉइंट्स एक दो तीन चार, लेकिन ये यहाँ पे एक बार हो रहा है, एक बार तो यहाँ कॉमन है, एक बार यहाँ कॉमन, तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इंटू नंबर ऑफ डायगनल्स, इससे तो इस फिगर में निकल जाएंगे और जॉइंट पॉइंट से हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले स्क्वायर में लेते हैं, चार यहाँ पे ट्राइंगल हैं और दो डायगनल हैं, तो फोर इंटू टू। दूसरे में देखिए यहाँ पे भी चार ट्राइंगल हैं और दो डायगनल हैं, तो इसमें भी फोर इंटू टू। तीसरे में देखिए यहाँ पे भी चार ट्राइंगल हैं और दो डायगनल हैं, फोर इंटू टू, और ये चौथे स्क्वायर के ट्राइंगल आ गए। इन चारों स्क्वायर के ट्राइंगलों की संख्या हमने गिन ली। अब ज्वाइंट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए पहला ज्वाइंट पॉइंट इस स्क्वायर और इस स्क्वायर के बीच ये ज्वाइंट पॉइंट है, तो ये वाला, ये देखिए 2, 4, 3, 3, इन चारों ट्रायंगल को मिलके एक बड़ा ट्रायंगल बनता है इस पॉइंट पे, तो जॉइंट पॉइंट पे एक ट्रायंगल बना ये और एक जॉइंट पॉइंट पे ट्रायंगल बनेगा ये वाला, देखिए 1, 1, 2, 4 को मिला के, दो तो ये हो गए, फिर यहां देखिए यहां पे एक जॉइंट पॉइंट होगा, इससे क्या बनेगा ये वाला, ये और ये, इन चार को मिला के एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, इन दो के बीच जॉइंट पॉइंट है, और चौथा जॉइंट पॉइंट ये, इससे कौन सा बनेगा ये वाला। अब ये जो पॉइंट है ये एक बार और है, वो किसके, इस वाले स्क्वायर के और इस वाले स्क्वायर के बीच, अभी हमने जो ये पॉइंट लिया ये इसके और इसके बीच लिया था, अब एक बार और है ये पांच, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और पांचवी बार ये कॉमन दो बार है, तो इसे हमने पांच गिनना है, तो पांच जॉइंट पॉइंट्स हो गए यहां पर,
और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे छठा जॉइंटमेंट भी होगा येलो कलर का, ये कहाँ बनाएगा ट्रायंगल, देखिए ये तीन स्क्वायर्स में बनाएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है ना, ये बड़े वाला ट्रायंगल बनाएगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। दो पांच तो रेड कलर के जॉइंट पॉइंट्स हो गए आपके, दोबारा दिखा देता हूं मैं, देखिए एक दो तीन चार, और ये चौथे वाला पॉइंट दो बार है तीसरे और चौथे स्क्वायर में, और एक येलो पॉइंट आप और ध्यान रखना ये वाला, और येलो पॉइंट इन तीन स्क्वायर्स में ट्रायंगल बनाता है, तो इस ट्रायंगल को भी हमें गिनना पड़ेगा, ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, और ये हमारे टोटल ट्रायंगल्स आ जाएंगे 8 8 8 8 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो इस पूरी जॉइंट फिगर में 38 ट्रायंगल्स हो। आइए एक फिगर और लेते हैं जो मिक्स डबल की है, तो पहले वाले स्क्वायर में चार ट्रायंगल हैं, इसी तरह दूसरे वाले में हो गए, दूसरे वाले में भी चार हैं 4 × 2, तीसरे वाले में हो गए, तीसरे वाले में भी चार हैं, चार छोटे ट्रायंगल हैं 4 × 2, डायगोनल दो हैं, और चौथी फिगर में भी 4 × 2। तो ये सारे ट्रायंगल गिनना तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन अब बात आती है कॉमन पॉइंट्स की, जॉइंट पॉइंट्स की, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अब हमारे आते हैं कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स एक, समझ में आ गया ये कौन से वाले के बीच है, पहले वाले और दूसरे के बीच, ये फिर हो गया दूसरा, इस वाले और इस वाले स्क्वायर के बीच जॉइंट पॉइंट है, फिर ये वाला इस वाला स्क्वायर, यानी ये बीच वाला स्क्वायर और नीचे वाले स्क्वायर के बीच जॉइंट पॉइंट है, ये रेड वाला, तो तीन रेड पॉइंट हो गए इस, फिर ये एक बार और गिना जाएगा, क्यों, इस वाले वर्ग और इस वाले वर्ग के बीच एक कॉमन पॉइंट और हो गया, तो ये दो बार कॉमन हो रहा है, तीन के बीच है तो दो बार कॉमन हो रहा है, दो के बीच है तो एक बार होगा, ठीक है। फिर ये वाला देखिए, ये वाला इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर के बीच है, अब ये वाला पॉइंट दो बार है, वो कहां, यहां और यहां, ये तो छोटे पॉइंट हो गए, तो छह छोटे जॉइंट पॉइंट हो गए, बस आपको याद रखना है दो के बीच है तो एक और तीन के बीच है तो दो बार गिना जाएगा, इजीली आप गिन सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट दो के बीच है, ये वाला पॉइंट भी दो के बीच है, ये वाला पॉइंट तीन स्क्वायर के बीच है, तो इसे दो बार गिनेंगे। तो इस तरह से हमने रेड वाले जॉइंट पॉइंट्स तो गिन लिए, अब यहाँ पे आप बड़े पॉइंट्स को देखिए, देखिए ये वाला जो हमने येलो वाला लिया था इस तरह से तीन में, तो ऐसे ये एक जामनी कलर का है, ये ट्रायंगल आप गिनेंगे बड़े वाला, ठीक है। फिर एक और ट्रायंगल होगा ये वाला, ग्रीन वाला लेंगे, इन तीन को मिला के ट्रायंगल बन रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर एक और पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये येलो वाला, येलो वाला कहाँ बन रहा है, देखिए ये येलो वाला यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा चार को, ये तो तीन तीन स्क्वायर में बन रहे हैं, ये भी तीन स्क्वायर में बन रहा है, अब चार स्क्वायर में भी एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा येलो वाला, ये येलो वाला पॉइंट और गिनना है हमें। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, ये थोड़ा आसान नहीं बैठता, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 8 8 8 8 चार टाइम एट हो गया, चार स्क्वायर थे, छह जॉइंट पॉइंट थे, और तीन आपके जामनी वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला ट्रायंगल, टोटल मिलके 41 अधिकतम ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की एडजॉइंट मिक्स फिगर भी आ जाती है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक तो ट्रायंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगे, एक तो वर्ग वाला, एक ट्रायंगल वाला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर एंड ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर, तो इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेते हैं ये वाला, देखिए अगर आप इसे देखें थोड़ा सा टेढ़ा है, 1 2 3 4 ये स्क्वायर है, इसके लिए हमें पता ही है चार छोटे स्क्वायर इंटू डायगोनल 4 × 2। दूसरा स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है, इसमें चार ट्रायंगल हैं 4 × 2। तो अभी आपने जो ट्रायंगल गिने हैं इनके गिने हैं, इन स्क्वायर्स के ट्रायंगल गिने हैं जो बेस टेक्निक हमने बताई। तो अब आप देखें यहां पे आपको तीन ट्रायंगल बचे हैं, और ट्रायंगल के लिए हमने बताया था आपको एक ट्रायंगल पे बेस पे जितने ट्रायंगल हो तो उसकी फिगर को जोड़ देते हैं। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, इस वाले ट्रायंगल में कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, और इस वाले ट्रायंगल में कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3। तो ये तो बड़ा सिंपल था, तो ये हम लिख देंगे 2 × 1 × 3, यानी 2 × 1, 2 + 1 हम जोड़ते हैं, और ऐसे तीन ट्रायंगल हैं, तो ये टोटल ट्रायंगल आ गए इन तीन ट्रायंगल में। तो ये बेस फिगर तो हो गई, अब आती है जॉइंट पॉइंट्स की। अब जॉइंट पॉइंट्स में देखिए यहां से एक ट्रायंगल बनेगा कहां पे, ये ट्रायंगल बनेगा यहां पे, ट्रायंगल में और वर्ग में मिलके कॉमन हो रहा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये कहां बनेगा, इस वाले वर्ग,
ये वाला वर और ये वाले ट्राइंगल को मिलके ये जॉइंट पॉइंट यहां पे एक बड़ा ट्राइंगल बनाता है। तो इसे गिन लेंगे हम, तो दो तो ये हो गए। अब देखिए ये येलो वाला, ये वाला स्क्वायर और ये वाला ट्राइंगल से ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। फिर एक पॉइंट ये होगा स्क्वायर में और ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा प्लस दो। बस आसानी से आप जोड़ सकते हैं, 8 + 8 + 9 +2 + 2 = 29। तो इस फिगर में 29 छोटे ट्राइंगल होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर के ऊपर एक छोटा ट्राइंगल रखा है, तो इसमें ट्राइंगल गिनने। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी, ए बी सी डी इस वाले वर्ग में ट्राइंगल्स गिन लेते हैं। तो यहाँ पे कितने, 8 × 2, ये आपको पहले से ही पता है, 8 × 2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल पी ए बी, ये हमारा पी ए बी इस वाले में गिन लेते हैं, दो हैं तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, यानी ट्राइंगल पी ए बी के भी ट्राइंगल आ गए। इस फिगर के अलग गिन लिए हमने, इस फिगर के अलग निकाल लिए। अब जो बात आती है, हमारे पास एक बेस है पी और क्यू, इस बेस पे कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये बेस पी क्यू पे, एडजॉइंट फिगर में एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल इधर को बनेगा। तो दो ये हो गए वर्टिस पी क्यू पे, दो ट्राइंगल हो गए, और बस ये ही हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, 16 + 3 + 2 = 20। इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये वाली फिगर तो हमारी सेम पहले वाली है, बस एक ट्राइंगल इधर बढ़ गया है, तो उसमें जॉइंट ट्राइंगल्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर ए बी सी डी में कितने ट्राइंगल होंगे, 8 छोटे ट्राइंगल हैं और 2 डायगोनल हैं, तो 8 × 2 हो गया। छोटे वाले में देखिए 1 × 2 हो गया ट्राइंगल पी ए बी में, और वर्टिस पी क्यू पे अभी हम गिन के आए हैं येल्लो वाले ट्राइंगल, तो ये तो पिछले जैसी फिगर है, ये भी हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक पॉइंट एम यहाँ पे और आ गया, ये ट्राइंगल आ गया, ये कहां पर ट्राइंगल बनाता है, तो एक तो एम क्यू पे एक ट्राइंगल बनाए, और इसे हम पहले गिन चुके हैं, तो एम क्यू पे एक ट्राइंगल ये होगा और एक बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा, एक ही होगा और एक ही होगा, दो ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे। ये हमने 8 वाला क्यों नहीं गिना इसमें, क्योंकि हम पहले ही स्क्वायर में गिन चुके हैं। तो एम क्यू बेस पे एक ट्राइंगल हो गया, उसमें 2 हो जाएंगे, 2 + 2 - 1, क्योंकि एक पहले ही गिन चुके। आप देखिए क्यू एन पे, क्यू एन पे कितने ट्राइंगल हो गए, तो यहां पे एक ट्राइंगल है, अगर हम बेस टेक्निक लगाएं तो 2 + 1 = 3 होने चाहिए, लेकिन ये 3 वाला ट्राइंगल हम पहले ही गिन चुके। तो क्यू एन पे कितने ट्राइंगल होंगे, 1 और 1 = 2, तो 2 ट्राइंगल बी एन क्यू ट्राइंगल में हो जाएंगे। अब देखिए एक इस पी पे बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये बड़े वाला ट्राइंगल, तो ये बड़े वाला ट्राइंगल भी इस फिगर को, इस फिगर को, इन फिगर को मिला के बन रहा है। तो पी एम एन पे, पी एम एन पे जो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, इसमें अगर हम बीच में एक लाइन खींची हुई है, तो कितने ट्राइंगल होंगे, 2 + 1। येल्लो वाले बड़े ट्राइंगल पी एम एन में भी हम गिन दें, बस इनको जोड़ देना है, 16 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 28। ये सारे ट्राइंगल आपको गिने जाएंगे। अब इस तरह की फिगर आती है, ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल हैं और इसे गिनना हमारा मुश्किल हो जाता है, बेस पे ट्राइंगल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये टेक्निक जरा थोड़ी सी अलग है, समझना पड़ेगा आपको, और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगा। तो अगर हम यहाँ गिनना चाहें तो बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। देखिए एक बड़ा ट्राइंगल है, तो इसमें छोटे ट्राइंगल एक ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है इसमें के अंदर कितने ट्राइंगल है, देखिए ब्लू वाले 3 है और एक व्हाइट वाला है, 4 और 1 = 5। तो ये तो आसानी से गिना गया ना, अगर बेस पे दो ट्राइंगल हो, यहाँ पे 2 है, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, अगर किसी भी साइड में 2 ट्राइंगल हो तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 5 हो जाएंगे। तो देखिए बेस पे कितने ट्राइंगल है, 1 और 1 = 2, यहाँ 5 ट्राइंगल हो जाएंगे, गिनना आसान रहा। अब देखिए यहाँ पे हम फिगर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है 1 और 1 = 2, 5 हो जाएंगे इसमें, 1 और 1 = 2, एक छोटे वाला है, यहाँ पे भी 5 हो जाएंगे, 1 और 1 = 2, यहाँ पे भी 5 हो जाएंगे, तो 5 + 5 = 10 और 5 = 15, 15 तो ये हो गए। दो बड़े ट्राइंगल कौन से लेने, एक तो ये वाला बड़ा ट्राइंगल हो गया और एक बीच में ये ट्राइंगल हो गया बड़े वाला, तो 2 और जोड़ दिए तो 17 ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पे जो 5 वाली फिगर थी वो 3 बार जुड़ी हुई है, और एक बड़ा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल आपको, तो टोटल 17 ट्राइंगल हो गए। ये गिनना आसान होगा, लेकिन अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे गिन सकते,
और ऐसे तीन वाले में देखिए एक दो और तीन, बेस में तीन है तो इसके लिए 13 होगा, चार हैं एक दो तीन चार तो इसके लिए 27 ट्राइंगल होंगे टोटल, एक पांच अगर बेस में है तो 48 होंगे, छह ट्राइंगल किसी बेस में या किसी साइड में है तो छह किसी साइड में तो 78 होंगे 78, सात है तो 118 होंगे और आठ है तो 170 होंगे, आठ ट्राइंगल अगर किसी साइड में है तो ये 170 होंगे। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा गिनना, इसके लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर टेबल आप याद कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसकी एक टेक्निक बता देता हूं कैसे ये टेबल आप बना सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक सीरीज सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एक लो, एक में दो जोड़ दो तीन, तीन में तीन जोड़ दो छः, फिर चार जोड़ दो दस, पांच जोड़ दो 15, 6 जोड़ दो 21, 7 जोड़ दो 27 और 8 जोड़ दो 8 ट्राइंगल तक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सीरीज। अगर नो साइड में नो ट्राइंगल हो तो यहाँ पे आप नो जोड़ दें, लेकिन पहले आप 8 को समझ लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, एक से लें, एक में दो जोड़े तीन, तो एक सीरीज बन जाएगी आपकी इस तरह से 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे संख्याएं लिख लेनी है, टोटल 8 ट्राइंगल है ना, 8 लिख ली और जो इनकी ये सीरीज आई है इसे उल्टा लिखना है, उल्टे क्रम में, यानी 36, 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1। मैं आपको बता रहा हूं 8 के लिए, जब किसी साइड में 8 ट्रायंगल हो तो 8 तक के नंबर ले और ये जो 8 डिजिट आई है हमारी इस सीरीज से इन्हें उल्टा लिख ले, इनका टोटल कर ले, इन सीरीज का टोटल होगा 120। देखिए 8 वाले के लिए 170 है लेकिन ये अभी 120 है। अब क्या करना है, हमें दूसरी चौथी छठी, हमें पहली सीरीज छोड़ के अगले वाली सीरीज लेनी है। तो यहां पे क्या लेना है, 28 लेना है, 15 लेना है, 6 लेना है और 1 लेना है। 120 में एक एक छोड़ के संख्याओं का टोटल और लेना है, ये एक एक छोड़ के टोटल और लेना है, इनका टोटल लगा 50, तो 120 + 50 इजिली आप कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। एक बार और देख लीजिए इसे, सबसे पहले एक लेंगे, एक में दो जोड़ना है, तीन जोड़ना है, चार जोड़ना है, पांच जोड़ना है, छह जोड़ना है, सात जोड़ना है, आठ जोड़ना है, आठ तक की सीरीज हम ले रहे हैं। अगर नोवा जोड़ना होगा तो नो लेंगे, सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे एक से आठ तक और इस सीरीज को उल्टा लिख लेंगे, 36, 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1 इन्हें जोड़ लेंगे 120 और इसके बाद इसी संख्या में एक छोड़ के 36 छोड़ दो, 28, 21 छोड़ दो 15, 10 छोड़ दो 6, 3 छोड़ दो 1, इनका टोटल 20 में ऐड कर देंगे। तो 8 तक के लिए छोटे ट्रायंगल्स 170 होंगे। अब देखिए अगर 7 तक के लिए हम करें तो 7 तक के लिए लेना है, तो यहां पे हम 7 नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 के लिए हम 7 तक की टोटल की सीरीज उल्टी कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 28 से शुरू करेंगे 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1 इन्हें टोटल को जोड़ देंगे 84। अब यहां क्या करना है, हमें दोबारा पहला छोड़ के दूसरा लेना है, चौथा लेना है और छठा लेना है। तो पहला छोड़ दो, 28 छोड़ दिया, 21 ले लो, 10 ले लो और 3 ले लो, इनका टोटल 84 में जोड़ दो। तो 84 और 34 कितना हो गया, 118, यानी एक साइड में अगर 7 ट्राइंगल है तो उस पूरी फिगर में जो ट्राइंगल्स की संख्या होगी वो 118 होगी। अब 6 के लिए देख लेते हैं, 6 के लिए 6 नंबर लेंगे और 6 1 2 3 4 5 21 तक, 21 से उल्टा लिख लेंगे 21 15 10 6 3 1 इन्हें जोड़ लेंगे, एक एक छोड़ देंगे, यानी लेंगे क्या 15 6 और 1, इनका टोटल हो गया 22, 56 और 22 कितने आ गए 78, है ना ये आसान, बड़ा आसान रहेगा। 8 के लिए 8 लेंगे, 7 के लिए 7 उल्टे लेंगे, एक एक छोड़ देंगे, उनका एडिशन करेंगे। एक और देख लीजिए, अगर हमें लेने 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे तो इनमें से इस सीरीज में 5 ही लेने में 1, 2, 3, 4, 5 आसानी से आप ये बना पाएंगे वहां, तो 15, 10, 6, 3। अब एक एक छोड़ के और संख्या लेनी है, इनका टोटल 35 हो गया, 10 और 3 इसमें दो ही फिगर आएंगे, 10 और 3 13 और 35 और 13 मिलाकर कितने हो गए 48। देखा ये टेबल आप बना सकते हैं ना इजिली, और इजिली आप कोई भी संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमें 4 लेने हैं, अगर हमें 4 लेने हैं तो 4 के लिए हम 4 संख्याएं उल्टी लिख लेंगे, 10, 6, 3, 1 और एक एक छोड़ देंगे, 6 और 1 को और ले लेंगे, तो 20 और 7 27। 3 के लिए देखिए
तीन वाला तो वैसे हमने गिन भी लिया था, लेकिन फिर भी हम सीरीज ले लेते हैं, एक दो तीन उल्टी सीरीज होगी, 6 3 1 और इसमें से एक छोड़ के एक लेना है, तो बस यहाँ पे एक ही फिगर ली जाएगी, 3, तो 10 और 3 3, तो इजीली ये टेबल आप आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई बनाने वाली बात ही नहीं है, ये तो 5 हमने वैसे भी गिन लिए थे। आप इस फिगर को याद रखेंगे, अगर इस तरह की फिगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये टेबल आप बना के रख लें, जितनी भी फिगर आए कर लें, इस सीरीज के द्वारा हम ये पूरी टेबल बना सकते हैं। नाउ दैट यू नो द आंसर, व्हाट विल यू डू अबाउट इट, द लीस्ट यू कैन डू इज शेयर दिस मैसेज विद दोस यू केयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ऑन यूट्यूब, ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स, ए टू जेड करियर्स के नाम से आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच प्यारे छात्रों, गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ।